नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची जारी। राज्य सरकार ने सूची से छूट गए लोगों को आश्वासन दिया कि वे इसके खिलाफ विदेशी नागरिक अधिकरण में अपील कर सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार करतारपुर साहिब गलियारे का काम तय समय सीमा में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। कश्मीर के अधिकांश क्षेत्रों में कल लगाया गया प्रतिबंध हटाया गया। घाटी के ज्यादातर इलाकों में लैंडलाइन फोन सेवा भी बहाल की गई। भारतीय नागरिकों के स्विट्जरलैंड में बैंक खातों का विवरण कल से कर अधिकारियों को उपलब्ध होगा। खेलों में चीन में एटीपी टेनिस चैलेंजर टूर्नामेंट में शशि कुमार मुकुंद सिंगल्स फाइनल में पहुंचे और किंगस्टन जमैका में वेस्टइंडीज के साथ दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने आज दूसरे दिन अंतिम समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 290 रन बनाए। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में लगभग 3,11,21,000 लोगों के नाम शामिल हैं। 19,06,000 से अधिक लोगों के नाम इस सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपने दावे प्रस्तुत नहीं किए। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के राज्य समन्वय कार्यालय ने बताया कि असम में रजिस्टर सेवा केंद्रों पर सूची की प्रतिलिपियां लोगों के लिए उपलब्ध हैं। सूची में दर्ज नाम के बारे में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के वेबसाइट www.nrcassam.nic.in से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतिम सूची से बाहर रह गए लोगों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया है कि जो भी सूची से बाहर होंगे उनके पास इससे संबंधित विदेशी अधिकरण में अपील करने का पूरा अवसर होगा। पहले अपील करने की समयावधि 60 दिन की थी, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए इस अवधि को बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। जब तक अपील की अवधि है तब तक किसी भी व्यक्ति को विदेशी नहीं माना जाएगा। मैं आप सभी से असम में शांति और सद्भाव कायम रखने का आग्रह करता हूँ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अपनी घटना की कोई खबर नहीं है। सुरक्षा बलों के सतर्कता के कारण कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। भाजपा और अस्थाना परिषद सहित अधिकांश राजनीतिक दलों ने एनआरसी पर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही असम पब्लिक वर्क्स और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन सहित कई संगठन भी परिणाम से खुश नहीं है। उनके अनुसार बहिष्कृत लोगों की संख्या 19,00,000 से अधिक होनी चाहिए थी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। उच्चतम न्यायालय के 2013 के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस बीच भाजपा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के अंतिम संस्करण के प्रकाशन पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। आज गुवाहाटी में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने आरोप लगाया कि देश के मूल नागरिक इस सूची में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में ये कहा गया था कि 40 लाख अवैध प्रवासी असम में रह रहे थे, लेकिन अब केवल 19 लाख लोगों को ही अंतिम सूची से बाहर किया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नागरिक सूची बनाए जाने की भी मांग की। राज्य के वित्त मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने आरोप लगाया कि 1971 से पहले जो शरणार्थी बांग्लादेश से आए थे उनमें से कई लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। कृषि मंत्री और असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा ने नागरिकों की सूची में 19 लाख लोगों के नाम शामिल न करने पर नाखुशी जाहिर की है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने आरोप लगाया है कि भाजपा असम में अवैध विदेशियों के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की सारी प्रक्रिया के दौरान लोगों को वित्तीय, भावनात्मक और राजनीतिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार गुरुद्वारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर का काम तय समय सीमा में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये आश्वासन करतारपुर कॉरिडोर के जीरो प्वाइंट पर भारत और पाकिस्तान की तकनीकी बैठक के एक दिन बाद आया है।
गृहमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। आज प्लास्टिक पोल्यूशन से नदी और समुद्र में मछलियां और कछुए मर रहे हैं और सड़कों पर मवेशी भी, पर आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं अपना डोनेशन देकर। डोनेशन देने के लिए अगली बार जब बाजार जाएं तो कपड़े या जूट का बैग साथ ले जाएं और प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल ना करें। आपका ये छोटा सा डोनेशन है पर्यावरण में बड़ा योगदान, और यही है आपका ग्रीन गुड डीड। ग्रीन गुड डीड्स मतलब कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण हित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में विशेषकर घाटी में आज स्थिति शांतिपूर्ण रही और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कल लोगों के आवागमन पर लगाया गया प्रतिबंध कश्मीर के अधिकांश क्षेत्रों से आज हटा लिया गया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए और वाहनों की संख्या भी बढ़ी। स्थिति में सुधार को देखते हुए घाटी के अधिकांश इलाकों में लैंडलाइन फोन सेवा बहाल कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीजन के सांबा रेलवे स्टेशन को शीघ्र ही एक माल ढुलाई टर्मिनल बनाया जाएगा। ये क्षेत्र में अपनी तरह का पहला टर्मिनल होगा। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये महत्वपूर्ण पहल है। जम्मू कश्मीर में भारत विकास मंच के कुछ नेता और अन्य प्रमुख राजनीतिक तथा सामाजिक हस्तियां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। जम्मू में आयोजित इस कार्यक्रम में कुछ पूर्व सरपंच भी पार्टी में शामिल हुए। भाजपा उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने कहा कि इससे ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि पार्टी की विचारधारा और नीतियों को समाज के सभी वर्गों के लोग स्वीकार कर रहे हैं। थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने उत्तरी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह के साथ नियंत्रण रेखा का दौरा किया और व्हाइट नाइट कोर की इकाइयों की तैयारियों की समीक्षा की। व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह संघा और कमांडरों ने जनरल रावत को स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी। राज्य की दो दिन की यात्रा के दौरान सेना प्रमुख ने व्हाइट नाइट कोर इकाई की तैयारियों, संघर्ष विराम उल्लंघन की जवाबी कार्रवाई की तकनीक, पाकिस्तान की ओर से छद्म युद्ध से निपटने के तरीके सहित कई मुद्दों की समीक्षा की। महाराष्ट्र के धुले जिले में आज सुबह एक रासायनिक फैक्ट्री में विस्फोट में 13 लोगों की मृत्यु हो गई और 58 घायल हो गए। 6 बच्चों को गंभीर रूप में घायल 15 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आज सुबह लगभग 10:45 शिरपुर तालुका के वाघरी गांव के इस फैक्ट्री में एक बैरल से रिझने वाले रसायन से आग लग गई, जिसके बाद कई नाइट्रोजन गैस सिलेंडरों में से सिलसिलेवार विस्फोट हुए। अधिकारियों ने ये भी बताया कि घटना के समय कम से कम 100 कर्मचारी कारखाने में मौजूद थे। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन घटनास्थल पर बचाव अभियान अभी भी जारी है। घायलों को धुले के नागरिक अस्पताल और शिरपुर कॉटेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निवेदिता बोरकर, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को विस्फोट से उत्पन्न स्थिति पर कड़ी नजर रखने को कहा है। लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद कर रही है। सितंबर का महीना राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है पूरक पोषण। 2022 तक देश से कुपोषण को हटाने के उद्देश्य से संपूर्ण पोषण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का समग्र पोषण अभियान कई मंत्रालयों की भागीदारी से पिछले साल से चलाया जा रहा है। रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जागरूकता की कमी से गरीब और अमीर दोनों ही तरह के परिवारों पर कुपोषण का असर पड़ता है। आज जागरूकता के अभाव में कुपोषण से गरीब भी और संपन्न भी दोनों ही तरह के परिवार प्रभावित है। पूरे देश में सितंबर महीना पोषण अभियान के रूप में मनाया जाएगा। आप जरूर इससे जुड़िए, जानकारी लीजिए, कुछ नया जोड़िए, आप भी योगदान दीजिए। अगर आप एकाध व्यक्ति को भी कुपोषण से बाहर लाते हैं, मतलब हम देश को
कुपोषण से बाहर लाते हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंट में नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा कि पोषण अभियान के तहत सरकार ने देश में कुपोषण के कारण बच्चों के शारीरिक विकास दर में रुकावट को 35 से घटाकर 25% करने का लक्ष्य रखा है। पोषण अभियान प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत हमारा फोकस पहले 1000 दिन लाइफ के ऊपर होता है, 9 महीने प्रेगनेंसी के और 2 साल उसके बाद की उम्र के, तो 1000 डे के ऊपर फोकस होता है। सब प्रदेशों में पूरी तैयारी है, आधी से ज्यादा प्रदेशों में इसको जन आंदोलन की तरह रूप देने के लिए, अवेयरनेस का रूप देने के लिए चीफ मिनिस्टर खुद इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले साल मार्च में राजस्थान के झुंझुनू जिले से पोषण अभियान का शुभारंभ किया था। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के अनुसार स्विट्जरलैंड में बैंक खाते वाले भारतीयों का विवरण कल से कर अधिकारियों को उपलब्ध होने लगेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने कहा है कि काले धन के खिलाफ सरकार के संघर्ष में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे स्विस बैंकों में गुप्त खातों को लेकर गोपनीयता के युग का अंत हो जाएगा। दोनों देशों के बीच वित्तीय लेखों के आदान प्रदान के तहत कल से सूचनाएं मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सिंगापुर के गृहमंत्री के षणमुगम के साथ आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सिंगापुर के साथ अपने संबंधों को और सुदृढ़ करने के प्रयास कर रहा है। दोनों नेताओं ने दुनिया में आतंकवाद और उग्रवाद से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की। दोनों देश सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर द्विपक्षीय संस्थागत प्रणाली को सुदृढ़ करने पर सहमत हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल के महासचिव योर्गन स्टॉक ने गृहमंत्री अमित शाह को आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। आज नई दिल्ली में गृहमंत्री के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि इंटरपोल के 3 प्रमुख कार्यक्षेत्रों में आतंकवाद, संगठित और साइबर अपराधों से निपटना शामिल है। गृहमंत्री ने मादक पदार्थों की तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री के कड़े रुख के बारे में बताया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि प्रधानमंत्री के फिट इंडिया अभियान को राष्ट्रीय आंदोलन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सामयिक, उपयुक्त और जरूरी अभियान है। आज हैदराबाद में उन्होंने कहा कि देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए स्वस्थ और सक्रिय नौजवानों का होना आवश्यक है। शशि कुमार मुकुंद ने आज चीन में ATP चैलेंजर्स टूर टेनिस प्रतियोगिता में सिंगल्स फाइनल में प्रवेश किया। 12वीं वरीयता प्राप्त मुकुंद ने सेमीफाइनल में टुंग लिन वू को पराजित किया। मुकुंद ने तेमुराज गाबाशिवली के साथ मिलकर पुरुष डबल्स फाइनल में भी प्रवेश किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच किंगस्टन जमैका में खेला जा रहा है। भारत ने मैच के दूसरे दिन आज ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 293 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने कल के स्कोर 5 विकेट पर 264 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत पहला मैच जीतकर 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची जारी। राज्य सरकार ने सूची से छूट गए लोगों को आश्वासन दिया कि वे इसके खिलाफ विदेशी नागरिक अधिकरण में अपील कर सकेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा सरकार करतारपुर साहिब गलियारे का काम तय समय सीमा में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। कश्मीर के अधिकांश क्षेत्रों में कल लगाया गया प्रतिबंध हटाया गया। घाटी के ज्यादातर इलाकों में लैंडलाइन फोन सेवा भी बहाल की गई। भारतीय नागरिकों के स्विट्जरलैंड में बैंक खातों का विवरण कल से कर अधिकारियों को उपलब्ध होगा। खेलों में चीन में ATP टेनिस चैलेंजर्स टूर्नामेंट में शशि कुमार मुकुंद सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे और किंगस्टन जमैका में वेस्टइंडीज के साथ दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने आज दूसरे दिन अंतिम समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 294 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।